दोस्तों आज हम ये वीडियो आपके सामने लेके आए हैं विजिटर वीज़ा और विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ल के कारणों को कवर करते हुए, जिसके अंदर की हम बात करेंगे कि टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा जो अप्लाई किया जाता है उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कोई भी टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं उसके अंदर आपकी उम्र कितनी है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, इसका मतलब ये कि आपकी सोशल टाइज अपने देश के साथ कितनी स्ट्रांग है, प्लस आप यहाँ पे करते क्या हैं, उसका मतलब हुआ आपकी ऑक्यूपेशनल टाइज अपने देश के साथ कितनी मायने रखती हैं, प्लस इसके साथ में आ जाता है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, जो आपका स्टेटेड पर्पज़ है, मतलब कि अगर आप घूमने जाने की बात कर रहे हैं तो क्या आपकी इनकम टैक्स की जो रिटर्न है, जो आपकी सालाना इनकम है, क्या वो इस चीज़ को जस्टिफाई करती है कि क्या आप 15-20 दिन या एक महीने के टूर पे आप 2 से 3 लाख या 4 लाख रुपये का खर्च कर सकें। आप किसी के झांसे में मत आइए। ये कोई जो विजिटर वीज़ा है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हर कोई भी एप्लीकेंट अप्लाई करे और उसको मिलेगा ही मिलेगा। जो हम टेम्परेरी एंट्री एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे कवर मैं करना चाहूँगा, जो एक विजिटर वीज़ा है वो एक टेम्परेरी एंट्री एप्लीकेशन के दायरे में आता है। इसका ये मतलब होता है कि जो भी अप्लाई कर रहा है इस वीज़ा के बारे में, इस वीज़ा के लिए, उसको ये बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कल को वो घूम के अपने देश वापस आएंगे या नहीं आएंगे, जहाँ वो जा रहे हैं क्या वहाँ पे स्पॉन्सर है कोई उनका। अगर स्पॉन्सर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एम्बेसी की मजबूरी है या वो एम्बेसी इस चीज़ में बाउंड है कि वो आपको वीज़ा देगी ही देगी। अगर आपका किसी देश में स्पॉन्सर है, इसको नेगेटिव या पॉजिटिव दो नज़रियों से देखा जा सकता है। एक पॉजिटिव नज़रिया ये हो सकता है कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, बट दूसरा जो नेगेटिव इसका इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ता है कि एम्बेसी ये भी सोच सकती है कि आपको वहाँ सपोर्ट अवेलेबल है और हो सकता है कि आप उस वहाँ से घूमने के बाद, वहाँ पे उस देश में विजिट करने के बाद अपने देश घूम के वापस ना जाएं। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं सारी बातें। इसके लिए अगर आप विजिटर वीज़ा के संबंधित अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, या आपने आपके किसी रिश्तेदार ने या फ्रेंड ने अगर विजिटर वीज़ा अप्लाई किया और वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए और हमसे वो रिफ्यूज़ल लेटर एक बार ज़रूर शेयर कीजिए और हम देखते हैं कि कैसे आपका विदेश जाके घूमने फिरने का, एक्सप्लोर करने का सपना साकार कर सकते हैं। शुक्रिया।